Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number 204, and our concern is that how can we handle emotional outbursts in our teams? Emotional outburst होना एक normal अमल है. हर शख्स किसी न किसी aspect में वो emotional हो सकता है. उसकी कोई न कोई वाबस्तगी association, affiliation with the things, with the situation, वो उसको emotional outbursts की तरफ लेकर जा सकती हैं. So we have to learn हाउ टू कंट्रोल दीज थिंग्स जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है, ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हर शख्स के साथ ऑब्वियसली एसोसिएटेड तो है लेकिन उसका इमोशनल आउटबर्स्ट बाजात उसके अदरवाइज इंटेलिजेंस को वो इफेक्ट कर सकता है हमारा ई क्यू कैन कम इन इनकाउंटरिंग विद द आई क्यू और होगा बेसिकली ये कि उस इमोशनल एक्सप्लाइटेशन में हम ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग शायद ना कर सकें उस हवाले से याद रखिएगा कि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमें सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस कंट्रोल मोटिवेशन सोशल इंटेलिजेंस इन तमाम चीजों की जरूरत है और हमें यह देखना होगा कि ये पांचों फैक्टर्स हमारे लिए क्या रोल अदा कर रहे हैं जब हम किसी डिसीजन मेकिंग को क्रिएटिवली और इनोवेटिवली डिसाइड करना चाहते हैं जब हम कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं कि जिसके साथ हमारी एसोसिएशन वो ज्यादा हो जिसमें कि हमारे लिए स्टिमुलस और ट्रिगर्स वो मौजूद हों तो वहां पर हमें अपने जज्बात को कंट्रोल वो करना होगा अदरवाइज जज्बात के बहाव में आकर बाजात हम ऐसी गलतियां कर बैठेंगे कि जो गलतियां हमारे लिए शायद एक्सेप्टेबल वो ना हो या शायद हमें ऑप्टिमम परफॉर्मेंस की तरफ लेकर वो ना जा सके देरफोर वी हैव टू बी केयरफुल इन अवर कंडक्ट इन अवर इमोशनल डेमोन्स्ट्रेशन एंड इन इंस्टेंस के जिसमें जज्बात इंटेलेक्ट के आगे रुकावट का सबब वो बन रहे हों अब इस मकसद के लिए याद रखिएगा कि हमें एट द सेम टाइम इस बात पर केयरफुल रहना है कि हमारे लिए कहां पर रैशनैलिटी की ज़्यादा जरूरत है और कहां पर एसोसिएशन एंड एफिलियेशन वो प्रायोरिटी रखती है इस मकसद के लिए हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट वो विजुअलाइज भी होने चाहिए वो एनालाइज भी होने चाहिए वो सिंथेसाइज़ भी होने चाहिए और इन विजुअल आउटबर्स में हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि हर शख्स के पास कोई ना कोई कैपेबिलिटी वो मौजूद है लेकिन उस कैपेबिलिटी के डेमोन्स्ट्रेशन में बाजुकात वो जज्बाती भी हो सकता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमें इस बात की इजाजत वो नहीं देती ऑर्गेनाइजेशन बात का रूम हमें प्रोवाइड नहीं करती कि हम अपने जज्बात को एक हद से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट वो कर सकें एंड दैट इज द रीजन दैट मेनी टाइम्स वी हैव टू गो फॉर इमोशनल लेबर एज वेल सो इस बात को हमें जहन में रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल कार्रवाई के, के दौरान हम अपने जज्बात को अपने एहसास को वो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करें कि किसी की भी हक तलफी ना हो किसी दूसरे के एहसास मजरू ना हो और एट द सेम टाइम हम अपने बात को भी बेहतर तौर पर डेमोन्स्ट्रेट वो कर सकें द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको यह देखना होगा कि वट आर द एस्पेक्ट्स विच कैन बी द टची ट्रिगर्स फॉर द पीपल वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको मद्देनजर हम रख कर लोगों को कंट्रोल वो कर सकते हैं कौन कौन से उनके सेंसिटिव इश्यूज हैं कहां, कहां पर दे बिकम मोर इमोशनली इन्वॉल्व और ये तमाम चीजें हमारे लिए एनालाइज करना विजुलाइज करना बीइंग अ लीडर वो बहुत जरूरी होगा बिकॉज उसी के जरिए ही हम अपने इंप्लाइज को बेहतर तौर पर गाइडेड ट्रेन वो कर सकते हैं एट द सेम टाइम याद रखें कि जब हम इमोशनल आउटपुट्स की बात करते हैं तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी ऑल्सो नीड टू कम अप विद वी नीड टू कलेक्ट द इमोशनल डेटा वी नीड टू कम अप विद फैक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड वी नीड टू कम अप विद मोटिव्स एंड इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन डिफरेंट टास्क एंड एसोसिएशन और हमें यह देखना होगा कि हर एक के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट कैसे है इन को हमारे लिए उनको कंट्रोल करना मैनेज करना कोच करना मेन्टोर रिलेशनशिप कायम करना वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि कोई भी शख्स वो जज्बात से आरी नहीं है लेकिन कहां पर कौन से जज्बे को डेमॉन्स्ट्रेट करना है और कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इमोशनल इंटेलिजेंस इसी चीज के बारे में हमें गाइड और ट्रेन वो करती है थैंक यू